भाई लोग आज बड़ी माड़ी होगी, ये बंदा खड़ा है सामने, इसके दांत आज किसी ने तोड़ दिए और ये देखो सारे दांत मेरे हाथ में है। भाई क्या हुआ, कैसे हुआ आपके साथ ये हादसा? कौन मारा? क्या बात, क्या हुई थी? अच्छा कुछ नहीं पता, चलो बढ़िया है। अभी आप कैसे निकालोगे जिंदगी बिना दांत के? अच्छा इससे, चल भाई बहुत बढ़िया, भगवान आपके दांत सलामत रखे ये वाले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी ट्रैवलर। और भाई लोग सब बढ़िया, मज़े में कट रही है लाइफ? यहाँ भी मज़े में कट रही है, थोड़ी बहुत समस्या है लाइफ में, जिस समस्या का समाधान करने के लिए आज निकले हैं। बाकी देखो नज़ारे मस्त है ना। अरे ये देखो, ये वो इलाका है डीपर वेल वाला, आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर देखी हो डीपर वेल वाली, तो ये डीपर वेल के अपोजिट साइड से व्यू है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लेना वो वीडियो भी। और ये इस तरफ से व्यू है, काफ़ी मस्त लग रहा है ना, तो यार खूबसूरती तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एक आने वाला है, राइट साइड में मंदिर आने वाला है, वो मंदिर में अभी तक गया नहीं, उस मंदिर में काफ़ी मेरा मन है उस मंदिर में जाने का, कभी देखते हैं अगर प्लान बनता है तो उस मंदिर में जाके दिखाते हैं। ये देखिए आगे आ जाओ, लॉयंस क्लब गुवाहाटी, यही मंदिर का रास्ता है। हर जगह से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी रहती है ना यार। अभी देखो ये जो जगह आ रही है, ये वाली, ये जो रोड जो जा रहा है कट रहा है राइट साइड में, यहाँ एक बार अपना एक्सीडेंट हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, चोट नहीं लगी थी, बच गए थे, बट हाँ गाड़ी तो ठुकी गई थी। और ये देखो, ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का गेट, दो गेट हैं, एक इस तरफ है और एक आगे है, आगे दिखाएंगे। गुवाहाटी के मौसम को देख के ना एक बात मेरे को याद आती है, डायलॉग नहीं है, आप लोगों ने भी सुनाई होगा, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि यार देखो कहीं का भी मौसम देखो आप, बट नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी का मौसम ना सबसे अलग है, डिफरेंट है। आप कभी भी निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, आपको मतलब मज़ा आने ही वाला है। आप रोड पर निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से रोड डिवाइड होने वाला है, ये जो लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है, ये आपका अगर जाना है रंगिया या खाना पड़ा जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, और गुवाहाटी जाने के लिए स्ट्रेट, और लेफ्ट लेने के बाद आपको फिर इसी फ्लाईओवर से ऊपर से होके जाना पड़ेगा, ये रास्ता सीधा आपको लेके जाएगा खाना पड़ा। और अगर आप शिलोंग वगैरह जाना चाहते हो तो आपको भी इसी रूट से जाना पड़ेगा। इस जगह का नाम है झालुकबाड़ी, यहाँ से एक बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है, मेरा आईफोन यहाँ से चोरी हो गया था, चोरी क्या हो गया था, छिन गया था। यार हम लोग दूसरों पे ब्लेम लगा देते हैं ना कि यार कोई एम्बुलेंस को साइड नहीं देता, ये नहीं करता, हमें कहते हैं हम खुद क्या करते हैं, हमें एटलीस्ट खुद रुक के एम्बुलेंस को साइड दे देनी चाहिए और ये प्रे करना चाहिए कि यार जो भी उसके अंदर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हमारी प्रे से क्या पता वो जल्दी ठीक ही हो जाए। गाइज़ आप लोग देख रहे हो राइट साइड में जो ओयो है, उस ओयो के नीचे एक LCD है, लाइफ केयर डायग्नोसिस। यहाँ पर लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली थी फर्स्ट टाइम जब मैं फादर बनने वाला था, तो यहीं पे टेस्ट करवाया था और यहीं पे पता चला था कि मैं फादर बनने वाला हूँ। फिर एक तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बुरा हाल हो रखा है। और देखो वो देखो अंकल एक सामने ये उल्टी साइड से खींच के लेके आ रहे हैं स्कूटी को, यहाँ पे काम चल रहा है, इस काम के चक्कर में जाम लगा हुआ है रोड पे बीच में, शायद यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है मेरे ख्याल से शायद। अरे देखो यार इतनी खूबसूरत व्यू की ऐसी तैसी मार रखी है सामने जो धूल है उसने, आह हा हा, फॉर्चुनर भाई जा तू ज़्यादा जल्दी है ना, हम लोग तो धीरे धीरे जाएंगे। क्या हुआ था, बैक टू बैक एक और, आह इसका तो नंबर भी बसता है यार, इसने तो पैसे गाड़ी पर तो लगाए नंबर पर भी लगाए हैं, 1919 बार बार तो यार हमसे आगे निकल जाती है, फिर पता नहीं कहाँ से पीछे रह जाती है, इतनी पावरफुल गाड़ी है फिर भी अपनी तो गाड़ी सबसे आगे चल रही है, ओवरटेक करती है, जाम में फंसती है, फिर हम इनसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जहाँ रास्ता खाली होता है वहाँ ये तब आगे खींच के फेल देते हैं। भाई बुलेरो भी निकल गई आगे। अच्छा ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो ना आप, ये रेलवे ट्रैक है वही है जो आप क्या कहते हैं दिल्ली से गुवाहाटी वाला रूट का है ये, और इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, मतलब गिनती नहीं है कितनी बार मैंने ट्रैवल किया है। और उससे हम इस रोड को देखते थे जब स्टार्टिंग में मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था कभी कि इस रोड पे भी हम इतना घूम लेंगे, बट मैंने यहाँ इस रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा सैर की है, बहुत घूम। ये देखो कलरफुल ब्रिज, अच्छा लग रहा है वैसे देखने में है ना।
विंटर सीजन में आए थे तो ये जो मूर्ति दिख रही है ना, इससे काफ़ी आगे तक पैदल घूम के आ गए थे। और अभी देखो मूर्ति को कितनी डूब रखी, मूर्ति नहीं डूब रखी मतलब पिलर काफ़ी डूब रखी, और हवा ज़बरदस्त चल रही है, भाई के बाल उड़ रहे हैं। चपाक चपाक आवाज आ रही है इसमें, पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कलर डिफरेंस भी लग रहा है पानी का। ये जो पिलर है ना, पिलर के इस जगह तक, इससे इस तरफ कलर अलग है और इसके उस तरफ कलर अलग है पानी का। काम तो कहीं और ही जा रहा था, बट फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर यहाँ के भी नज़ारे ले लेते हैं ना, जब कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में 2 मिनट रुके क्या दिक्कत है, कर ही सकते इतना तो। अच्छा ये जो घाट है इसका नाम है लचित घाट, और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये है लचित बोरफुकन की। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 25 अप्रैल 1672 में। और ये जो थे, ये थे बोरफुकन आर्मी के कमांडर इन चीफ अहोम आर्मी के, और 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट में इन्होंने मुगल्स को हराया भी था और जंग जीती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी तो हमने सोचा चलो भाई गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। वाहियात सा गन्ने का जूस था यार, एकदम से ऐसा बेकार बना रखा था, लग ही नहीं रहा था जैसे गन्ने का जूस है, ऐसा लग रहा था जैसे नींबू पानी में भी पानी मिला के दे दिया हो ज़्यादा। वैसे हम लोग पहुंचने वाले हैं बस डेस्टिनेशन पे, लेफ्ट साइड में है बजरंग बली जी का मंदिर, और थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन जहां हमें जाना है। मार्केट भी बंद है, सब कुछ तो बंद है अभी, बिल्कुल बंद है यार, लेकिन आप इधर देखो थोड़ा सा बसें नहीं आ रही अभी, वो आ रही है देखो उधर आ रही है पीछे, देखो यहाँ भरी हुई है बस, ये लोग जा कर रहे हैं, सब तो बंद है। भाई तेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, ये जा कर रही है तो सोचने वाली बात है ना, जा कर रहे हैं भाई, आज आना पड़ा इसकी कैब बनवाने के लिए। कितना बता दिया वारंटी? तो दे दिया है मैंने उसको कैब बनाने के लिए बंदे को, अब वापस चल दिया हम, मौसम तो थोड़ा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, देखो बारिश ना आ जाए। भाई वापस जा रहे थे काम करके, वैसे बारिश आ गई ज़बरदस्त, और बारिश का भी क्या करें, कोई रोक तो सकते नहीं, तो हमने ये काम स्टार्ट कर दिया है बिरयानी खाने वाला। बारिश रुकी तब तक अपना खाना भी ख़त्म हो गया था, अब चलने की तैयारी। भाई ने मुकुट पहन लिया है, मुकुट पहन के भाई अपने रथ को पीछे की तरफ लेके जा रहा है और स्टार्ट कर दिया, चलो फिर चलते हैं। और ये छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग आने लग गई है बारिश के कारण, सिटी के बीच में वाटर क्रॉसिंग बन गई है। गाइस अभी दिखाता हूँ एक व्यू आपको, जो हमारे भाई अभी ध्यान गया है वो देखो सामने, भाई ने दिखाया, भाई क्रेडिट गोज टू हिम, भाई ने दिखाया वो व्यू, नहीं तो मैंने देखा नहीं था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी नहीं, तो हम आपको कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जाके दिखाते, मस्त लग रहा है ना गाइस। यहाँ से देखो यार, मैंने बोट पे आके स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से आ रही है फील तो नदी की पूरी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नदी के बीच में खड़े होकर शूट ले रहे हो, और ऊपर बादल देखो वाओ, और मौसम इतने जल्दी चेंज होता है, कुछ देर पहले जब हम आए थे ना उस टाइम देखो आप कैसा साफ था मौसम, ऐसा कुछ नहीं था, और अभी देखिए व्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिवर। गाइस उधर देखो यार पहाड़ के ऊपर, मतलब मन कर रहा है ना कि अभी चले जाऊँ वहाँ, मन तो कर रहा है मेरा भी, क्या करें, टेंट वाले उसमें
वैसे भी इस जगह पे जा नहीं पाएंगे, कोशिश तो करते हैं एक बार चल के। मन तो ऐसा कर रहा था सीधा यहाँ से सीधा रोड हो गए तो सीधा वहीं जाके रुके। यार वाकई में गजब है, कुश्ती करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कह रहा था उधर उधर हमें जाने नहीं दिया, कहने लगे कि 28 तारीख तक अलाउड नहीं है वहाँ जाना। गाइस आज बारिश पीछा नहीं छोड़ने वाली, आज सेकंड टाइम ऐसा हो गया जो हम बारिश में फिर से फंस गए हैं।